क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें, तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो, या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हो, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहां किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें, सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें, लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसे या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं, और बार बार अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें।